टीम इंडिया विश्व कप के आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को हरा अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के इरादे से उतरेगी। वहीं श्रीलंका विश्व कप 2019 में अपना सफर जीत के साथ समाप्त करना चाहेगी। अब तक भारत के बीच वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 में श्रीलंका ने जीत हासिल की है और भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबलों में से 4 भारत ने जीते हैं। भारतीय टीम यदि अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचती है तो सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत 4th स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड से होगी, जिसका अंतिम 4 में स्थान लगभग पक्का है। लेकिन दूसरे स्थान पर रहने पर भारतीय टीम को 3rd स्थान पर स्थित इंग्लैंड से भिड़ना होगा, जिसने उसे ग्रुप मैच में शिकस्त दी थी। ऐसे में भारतीय टीम शीर्ष पर रहकर न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल मैच खेलना चाहेगी। धोनी की फिर परीक्षा। जब भी भारतीय टीम का इस विश्व कप में मैच हुआ तो सभी की नजरें अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी पर टिक गई। इस टूर्नामेंट में धोनी उम्मीदों के मुताबिक तेज पारी नहीं खेल सके हैं, इस कारण उनकी काफी आलोचना भी हुई है। धोनी का यह आखिरी विश्व कप है और वे बड़ी और आतिशी पारी खेलने को बेताब होंगे।